हेलो एवरीवन, समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं बुक के बारे में। बुक से को बताने से पहले या बुक आपको कौन सी प्रेफर करनी चाहिए उसको बताने से पहले मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा। जब भी आप कोई भी बुक यहाँ पर लेने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं तो हमेशा बुक कैसी होनी चाहिए ये पहला क्वेश्चन होता है, उसके बाद बुक कौन सी लेनी है वो दूसरा क्वेश्चन, लेकिन कैसी होनी चाहिए ये हमें पता होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर आपकी बुक आपके सिलेबस को कवर करती हो, लेकिन जरूरत से ज्यादा भी नहीं और परीक्षा के लिए यहां पे जरूरत से कम भी नहीं। अर्थात एक बुक ऐसी होनी चाहिए जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी सहायता करे, टाइम कम लगे लेकिन आपके सिलेबस को पूर्ण करने में सक्षम हो, साथ ही साथ तथ्यात्मक हो जानकारी, लेकिन साथ ही साथ इसमें आपको क्वेश्चन के अनुरूप यहां पर सभी प्रकार के सिलेबस के तथ्यात्मक जानकारी के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल बेसिस भी हो। प्रश्न किस तरीके के आएंगे ये मॉडल आपके क्वेश्चन भी उसमें आपको शामिल होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें पेपर कैसे आए हैं वो भी अगर उसमें शामिल है वो और भी अच्छा पहलू है। इसके अतिरिक्त यदि हम कहें बुक के संदर्भ में तो यदि उसमें कुछ ग्राफिक्स हैं, कुछ चित्रात्मक स्थितियां हैं तो वो यहां पर उसे पढ़ने में ज्यादा रुचिपूर्ण बना देती हैं। लेकिन इन सबसे जरूरी जो पहलू है ये है कि हमें बुक्स के माध्यम से वो जरूरी जानकारी हासिल करनी है जो भाषागत स्थिति पे समझने में सरल हो, अर्थात बहुत कठिन नहीं होनी चाहिए, बुक की भाषा बहुत सरल होनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में हमें समस्या आ सकती है। ठीक है, तो यहां पर अगर ये सारी चीजें किसी एक बुक में है तो वो बुक यहां पर आपके लिए यहां पर आपकी बुक लिस्ट में शामिल होनी चाहिए। अब बात करें हम आरओआरओ के अधिकारी के संदर्भ में यहां पर आपके कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी है, तो आपके पास दो तरीके की चीजें होती हैं। पहला एक जो स्टेप होता है कि हम पढ़ने के बाद यहां पे क्वेश्चन को हल करने जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं और उसके बाद चीजें यहां पर मॉक टेस्ट की तरफ जाते हैं। तो बिगिनर्स के लिए यहां पे जो बुक्स होनी चाहिए वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, बुक आपको ऐसी होनी चाहिए जो आपको स्टार्टिंग में पहले बेसिक से स्टार्ट करके समझाना शुरू करता हो, उसके विभिन्न आयामों को जोड़ते हुए टॉपिक को पूर्ण करता हो और साथ ही साथ फिर यहां पर आपके बुक के बारे में बताता हो, है ना। दूसरी तरफ आपको जो रिवीजन पर्पस के वाले संदर्भित अगर हम बात करें तो उनके लिए यहां पर बुक अलग हो सकती है। हाँ, वो अपनी बुक को अगर बेहतर तरीके से यूज कर चुके हैं तो उसको रिवीजन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ यहां पर आपको रिवीजन करना है और आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिससे आपको यहां पर कम समय में सारी चीजों को पूरा हो जाए तो उसके लिए यहां पर आपके लिए अलग बुक हो सकती है। इन सारी बुक के संदर्भ में जो डेटा आपको कहता है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर दोनों ही की डिमांड पूरी करने के लिए कौन सी बुक यहां पर सबसे बेस्ट होती है, इसमें यहां पर मैं आपको दो बुक सीरीज यहां पर प्रेफर करना चाहूंगा, एक परीक्षावाणी सीरीज और दूसरा यहां पे घटनाचक्र सीरीज। परीक्षावाणी जो सीरीज है उसकी यहां पर एक अलग विशेषता है, जहां पर हम घटनाचक्र सीरीज की बात करें तो उसकी अपनी एक अलग विशेषता है। इन दोनों ही विशेषताओं से मैं आपको परिचित करा देता हूं और जो मैंने आपको जानकारी दी है वो जानकारी यहां पर इन विषयों में समावेशित है। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो आपको बेस्ट बुक लिस्ट सीरीज कौन सी है इसमें मैं आपको दो पहले बता देता हूं। पहली जो बुक यहां पर है, जैसा कि हमने कहा कि घटना चक्र की पूर्वावलोकन सीरीज आती है। आरओआरओ की संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहां पर आपको दो पेपर होते हैं, एक यहां पे सामान्य अध्ययन का पेपर होता है और दूसरा आपको सामान्य हिंदी का पेपर होता है। देखा जाए तो यही दोनों पेपर आपको मेंस में भी आने हैं, सामान्य हिंदी का भी पेपर होगा, सामान्य अध्ययन का भी पेपर होगा, एक पेपर और उसमें जुड़ जाएगा आपको निबंध का, तो उसको यहां पर अलग करते हैं। फिलहाल दो कॉमन जो है मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में उनकी बात कर रहे हैं। यहां पे देखिए सामान्य हिंदी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के संदर्भ से ये आती है, इसी तरह सामान्य अध्ययन के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए आती है। दूसरा विशेष रूप से आपको समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए लिखी गई है, तो यहां पर आपके एग्जाम ओरिएंटेशन है, आपके सिलेबस ओरिएंटेशन है, तो यहां पर ये आपको सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन की जो ये घटना चक्र सीरीज आती है आप यहां पर इसको ले सकते हैं। अच्छी बातें क्या हैं, जैसा कि हमने कहा रिवीजन के पर्पस से यहां पर देखा जाए कम समय में जब ज्यादा पढ़ना हो, दूसरा किस तरीके क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं तो वहां पे घटना चक्र आपकी सहायता करता है। क्यों सहायता करता है, क्योंकि घटना चक्र अगर हम सीरीज को देखें तो यहां पर आपको पहला तो
सब्जेक्ट वाइज आपको डिवाइड एक विषय सूची मिल जाती है, फिर सब्जेक्ट वाइज में टॉपिक वाइज विषय सूची आती है। उस टॉपिक वाइज विषय सूची में वहां पर वो विभिन्न समय काल में पूछे गए प्रश्नों को उसमें शामिल करते हैं जो पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर होते हैं, और उसके साथ साथ उस क्वेश्चन के आंसर में यहाँ पर उस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन भी कर देते हैं। इस तरीके से आप न सिर्फ यहाँ पर आप रिविजन कर पाते हैं, विषय के टॉपिक वाइज चीजों को समझ पाते हैं, इसके साथ साथ किस क्वेश्चन से कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले वर्षों के, उसका एक एनालिसिस भी आप समझ पाते हैं। अर्थात न सिर्फ यहां पर आप जानकारी हासिल कर रहे हैं बल्कि मॉक टेस्ट भी एक तरीके से दे सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, साथ ही साथ यहां पर पढ़ने का कॉन्सेप्ट वो भी आपकी डिटेलिंग में हुआ रहता है। तो आपको एक सारी चीजों का समागम और रिवीजन के लिए कम समय में पूरा रिवीजन करने में ये आपको काफी यहां पर हेल्प करती है। सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी दोनों ही विषय पेपर के लिए आप यहां पर घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज को यहां पर प्रिफर कर सकते हैं। इसकी यहां पर ये अपने मैंने आपको विशेषता बता दी है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि क्या आप सामान्य अध्ययन के अतिरिक्त या इसके अतिरिक्त का हम दूसरी जो विषय सूची है जो परीक्षा संदर्भित यहाँ पे बुक है, क्या परीक्षा वाणी को हम प्रिफर कर सकते हैं? तो देखा जाए तो परीक्षा वाणी की जो बुक लिस्ट है यहाँ पर आपको कई सारी बुक आती हैं। इसके संदर्भ में आप देख सकते हैं कुछ बुक्स यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट की अपनी एक बुक आती है, ठीक है। जैसे सामान्य भारत के इतिहास को लेकर बुक आती है परीक्षा वाणी की, उत्तर प्रदेश की है, संविधान को लेकर के है, जीव विज्ञान की है, भौतिक रसायन की एक अलग बुक यहाँ पर आती है, इसी तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक आती है, और अलग अलग जनसंख्या नगरीकरण की भी बुक आती है, सामान्य हिंदी की भी बुक आती है। तो अलग अलग यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की इनकी बुक अलग आती है, तो काफ़ी सारी बुक होती हैं, ठीक है। अब इस बुक में यहाँ पर इनकी विशेषता की अगर मैं बात कर दूँ तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ को आपको इस बुक में सबसे पहले आपको हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग विषय सूची, अर्थात सभी विषय के लिए एक अलग बुक है। इसके बाद दूसरी जो चीज देखते हैं, काफी यहां पर आपको डिटेल जानकारी है, ठीक है। टॉपिक वाइज यहां पर देखा जाए डिटेल आपको की गई है जिससे आप चीजों को बेहतर समझ सकें। इन डिटेलिंग में देखा जाए तो आपको कह सकते हैं स्टार्ट टू एंड कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बेसिक चीजों से यहां पर आपको टॉपिक स्टार्ट किया गया है, उसके सभी पहलुओं को शामिल करते हुए उसकी डिटेलिंग की गई है। कॉन्सेप्ट भी देखा जाए तो यहाँ पे आपको क्लियर किए गए हैं, जो कि एक अच्छी बात आपको इस बुक में देखने को मिलती है। पांचवी चीज अगर हम देखें कि आप भाषा आपको कैसी यूज की गई, तो भाषा काफी सरल यूज की गई है, जो कि यहाँ पर एक और अच्छा पहलू इस बुक में आपको देखने को मिलता है। पिछले वर्षों के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर देखा जाए तो आपको हर एक टॉपिक के लास्ट में अगर हम देखें तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, उसके नीचे साथ ही साथ वहां पर उसके आंसर भी यहां पर आपको बताए गए हैं। तो यहां पर आप इस बुक को अगर प्रिफर करते हैं, इस बुक सीरीज को यहां पर प्रिफर करते हैं, तो ये आपको इन सभी चीजों के साथ यहां पर आपको समावेशित मिलती है, पूरी इंपॉर्टेंस के साथ हर एक जानकारी आपको इसमें यहां पर मिल जाती है। दूसरी चीज देखा जाए तो ज्यादा डिटेलिंग ऐसी भी नहीं है कि बहुत डिटेल है। देखा जाए तो आपको आरओ के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी बुक मैं इसे कहूँगा, जो कि आपको जितना ज़रूरी पहलू है सिर्फ उन्हीं पर ज़्यादा फोकस है, फैक्चुअल डेटा को यहाँ पर बताती हुई। बहुत यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको एक रामायण जैसी बुक्स लिखी गई हैं, आपके परीक्षा उपयोगी बुक यहाँ पर आपको परीक्षा वाणी तैयार की गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर मैं कहूँगा तो ये उन बच्चों के लिए यहाँ पे प्रेफरेबल ज़्यादा हैं जो कि यहाँ पर अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, आरओ एग्जाम को लेकर प्रेफर करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, विषयगत स्थिति को समझना चाहते हैं, वो यहाँ पर इस बुक को लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। तो और अगर आपने इस बुक को यहाँ पर एक बार पढ़ लिया है तो यहाँ पर आपने इसके की पॉइंट्स बना रखे हैं, नोट्स बना रखे हैं और इसको पढ़ते आए हैं, तो आप इसी बुक को यहाँ पे कंटिन्यू करिए। अन्यथा की स्थिति में आप घटना चक्र सीरीज यहाँ पर और भी बेहतर हो सकती है। यदि आप सिर्फ रिवीजन पर्पस से जाना चाहते हैं, क्वेश्चन को भी समझना चाहते हैं, टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन किस इंपॉर्टेंस से आते हैं, एक एनालिटिकल अप्रोच भी आपको समझ के उसका रिवीजन करना है, तो आप घटना चक्र सीरीज भी यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने प्रोस और कॉन्स यहां पर दोनों ही आपके लिए बता दिए हैं। आप इस संदर्भ में यहां पर अपना एक डिसीजन लीजिए कि कौन सी बुक यहां पर प्रेफरेबल है। मैं यहां पर दोनों ही संदर्भों से आपको बता चुका हूं, जहां के सिर्फ रिवीजन पर्पस से अगर आपको रखना है, आप सारी तैयारी कर चुके हैं, तो वहां पर आप घटना चक्र के थ्रू जा सकते हैं। और अगर आप स्टार्ट टू एंड वाला प्रोजेक्ट यहां पर अपनाना चाह रहे हैं, अभी आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इस सीरीज के साथ, परीक्षा वाली सीरीज के साथ जा सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट रह गया है,
कुछ और आपको पूछना है बुक को लेकर के, या कुछ यहाँ पे डाउट्स यहाँ पर बुक से रिलेटेड रह जाते हैं, तो आप मुझे यहाँ पे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझसे ज़रूर पूछ लेगा, मैं वहाँ पर आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। आज के लिए यहाँ पर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर ज़रूरी है। यदि अन्य किसी पहलुओं पर आप भी यहाँ पर आपके कोई डाउट हैं या कुछ यहाँ पर परीक्षा की तैयारी को लेकर समस्या आ रही है तो अपने आप सवाल वहां पर पूछे, उससे रिलेटेड मैं हो सकेगा तो वीडियो भी बनाकर आपके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।